बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप जैसे ये देख रहे हैं, ये मैं एडेनियम की तैयारी कर रही हूँ और उसकी सॉइल रेडी कर रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं या रिपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी आप रिपोर्ट करना चाहें तो आपको हेल्प हो सकती है। आप जैसे ये देख रहे हैं कि ये मैंने राइस जो हस्क होती है इनके चावलों का छिलका ये वो लिया है, ये मैंने वुडैश लिया है जो पोटाश का जो है, पोटाश के लिए भी ये बेटर है और ये एंटी फंगल होती है। ये थोड़ा सा मैंने कार्बन का सोर्स जो है चारकोल लिया है, और ये जो है काव डंग है, काव में मैन्योर कहलाती है, जो बिल्कुल ये गली सड़ी है, तकरीबन डेढ़ दो साल पुरानी होंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोकोपीट है, और ये जो आल पर्पस जो कंपोस्ट होती है जो आपको नर्सरी से भी मिल जाती है बैग की शक्ल में, ये भी मेरे पास एक साल पुरानी है। तो ये मैंने सब लिया है, इनका मैंने कोई ख़ास रेशियो नहीं लिया है क्योंकि ये सब इक्वल क्वांटिटी में लेना था। ये थोड़ा सा लिया है, बिल्कुल एक मुट्ठी है, और ये जो है दो मुट्ठी है, यानी कि दो जो है समझ लें एक कप के बराबर है। और अब इन सबको हमने मिक्स करने हैं, और एंड पे मैंने जो है ये मेरे पास सॉइल है, ये आप देखें कि ये कैसी किस टाइप की सॉइल है, ये सारी सैंडी सॉइल है, सॉइल तो नहीं बल्कि सैंड टाइप है। अगर ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है जब, तो बिल्कुल वो हो जाती है भुरभुरी, बिल्कुल सैंड की तरह। तो ये मैं फिर एंड पे ये मिक्स करूँगी क्वांटिटी देखकर, जैसे कि सैंड इसमें मिक्स करते हैं, लेकिन ये इसी में काफ़ी अच्छी बन जाएगी। मुझे 5 पॉट तैयार करने हैं, तो चले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और एंड पे जब सॉइल जब मैं सैंड मिक्स करूँगी तो उसके साथ मैं थोड़ा सा जो है एंटी फंगल भी यूज़ करूँगी, जो ये सल्फर की शक्ल में है, जो कि रूट्स के लिए भी बहुत बेटर है। मैं ये मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी मैंने जो है ये मेरी इकट्ठे होकर जो बनी है क्वांटिटी इन सब चीज़ों का, उतनी ही मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट उतनी ही ढेरी इसकी है सॉइल की। अगर आपको ये क्लियर हो रही हो तो ये बिल्कुल ग्रेट है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की, तो सॉइल की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसी में, और पहले भी एडेनियम लगे हुए थे, तो अब ये मैं न्यू इसकी सॉइल बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो ख़राब हो गए हैं, जो सही बच गए हैं उनको मैंने तकरीबन 15 दिन हो गए हैं तब से मैंने बाहर रखा हुआ है ड्राई होने के लिए, तो आज मैं उनको जो है रिपोर्ट कर रही हूँ। बस मैं अब इसको मिक्स कर दूँगी, और इसके साथ हम ये थोड़ा सा जो है एंटी फंगल पाउडर जो है वो मिक्स कर देंगे। उसके बाद टाइम टू टाइम तो इसको फर्टिलाइज भी करेंगे, लेकिन वो लिक्विड से करेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में अपडेट दूंगी उसकी भी। जी फ्रेंड्स, ये मेरे पास अभी तो फ़िलहाल प्लास्टिक के पॉट हैं, जो 5 इंच या 4 इंच के हैं, आप देख सकते हैं हाथ के अंदाजे से, तो फ़िलहाल तो यही है। फिर मैं खुद सेल्फ मेकिंग जो है सीमेंट पॉट बनाऊँगी, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। इनके लिए मैंने सीमेंट पॉट ही बनाने थे, बस टाइम नहीं लग सका और बने नहीं, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊंगी तो फिर आपसे शेयर करूंगी। इन्हें दोबारा मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी, जल्दी ही कर दूंगी, और अभी फ़िलहाल इनका रिपोर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही ये 15 दिन से पड़े हुए हैं, इसलिए बस अब हम इसके अंदर मैंने कोकोनट का जो छिलका होता है वो मैंने इसके अंदर भर दिया, ताकि जो है सॉइल हमारी ड्रेन आउट ना हो। फ्रेंड्स, ये मैंने जो है सॉइल तो ऑलमोस्ट हाफ हाफ जो है इनमें पॉट्स में भर ली है, और ये रहे एडेनियम, वो आप देख सकते हैं। इनकी जो मैंने थोड़ी सी जो रूट कटिंग करनी थी, रूट्स इनकी प्रून कर दी है, और इन्हीं की मैंने कटिंग जो ग्रो की है वो भी आपसे इंशाल्लाह जल्दी अपडेट के साथ ही शेयर करूँगी। उन्हें भी मैंने ग्रो किया है, या तो इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं कर चुकी होंगी, या फिर जो है साथ ही आगे पीछे हो जाएंगी। कटिंग भी ग्रो की है, वो भी मैंने जो है अपलोड करनी है वीडियो।
तो अब आप देखिए ये सारी कटिंग्स हैं, सॉरी एडेनियम्स हैं, जो कि काफ़ी हद तक डैमेज हुए थे, लेकिन अब ये सारे अब सही हैं, ये सब के सब। ये देखिए ये तो बहुत हद तक ख़राब था और इसको एक पूरा पार्ट निकाला, अब ये सही है, सब जगह से रूट्स भी इनकी सही है। कटिंग मैंने इनकी कर दी थी साथ ही, अब देखते हैं, आई होप सो कि ये सब ग्रो हो जाए। चलिए मैं इनको जो है लगाती हूँ, देखती हूँ कि किस तरह से इनको करना है, ट्रेंड की चीज आपसे शेयर करती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिए, ये दो मेरे थोड़े से भी नाजुक हैं, ये वाला तो इनको मैंने काफ़ी बहुत कम सॉइल में लगाया है, ताकि क्योंकि अभी 1 मंथ तक तो लगता है कि मौसम ठंडा ही रहेगा, रातें तो एटलीस्ट ठंडी रहेंगी, क्योंकि मौसम कब चेंज हो रहा है पता नहीं चलता, जैसे भी फुल ड्राई सीजन हो जाएगा, थोड़ा सा हॉट वेदर हो जाएगा, अप टू 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो मैं फिर इसमें सॉइल का जो है इजाफा कर दूँगी। इसका तो अभी थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि इसकी रूट सारी डैमेज हो चुकी है, एक तरह से ये कटिंग लगाने वाली बात है, आई होप सो। बाकी ये मैंने जो है इनको रिपोर्ट कर दिया, इसको भी देखिए, और इनमें जान भी है माशाल्लाह, और ये तो ग्रोथ भी कर रहा है साथ साथ, और इसको लगा दिए हैं, इसकी शेप नहीं मुझे कुछ समझ आ रही थी, क्योंकि इसका नीचे का कॉर्टेक्स थोड़ा सा उस टाइप का है कि इसको जैसे कि ले डाउन करके थोड़ा सा लेटा कर लगाया जाए, लेकिन अभी मेरे पास पॉट नहीं है, तो जैसे इसका कोई पॉट, क्योंकि मैंने इनके पॉट बनाने जो सिर्फ 4 इंच की हाइट के होंगे, लेकिन फैले हुए होंगे थोड़े से खुले, तो बस इनको अब शेड में रखूँगी 2 दिन तक, और फिर हल्की धूप में इनको मैं रख दूँगी, और 2 दिन बाद ही इनको मैं पानी दूँगी, क्योंकि सॉइल तो आप देख लें थोड़ी मॉइस्टी है, तो बस इनाफ है इनके लिए, और फंजीसाइड मिलाकर दूंगी। तो फिर मैं इनकी अपडेट के साथ ही इकट्ठा ये वीडियो को अपलोड करती हूँ, या अभी करती हूँ, अभी कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया फिलहाल, इनको 2 दिन के बाद जो है पानी दूंगी, तो वो मैं साथ ही शेयर करूँगी। जी फ्रेंड्स, ये 2 दिन हो चुके हैं, थर्ड डे, और ये जो आपको नज़र आ रहा है फंजीसाइड, फंगस बिगॉन के नाम से मल्टीपर्पज़ फंजीसाइड है, ये मैंने पानी में यूज़ किया है, 1 लीटर मैंने जो है, 1 लीटर है ये तकरीबन 1.5 लीटर है, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा पानी लिया, इसी से मैं जो है ये अपने सारे जो एडेनियम में इनको पानी दूंगी। इसको पानी देकर तो देखती हूँ 3-4 दिन तक, जब तक इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, तब तक मैं इसको दोबारा अगेन पानी नहीं दूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं।